बूंद है उस सागर में, तो ये छोटी सी बूंद कैसे सागर को पकड़ ले, ये छोटी सी बूंद कैसे पूरे सागर को जान ले। ये बड़े मजे की बात है, ये बूंद सागर में है और ये बूंद सागर ही है, तो एक अर्थ में तो सागर को जानती है, बड़े गहन अर्थ में सागर को जानती, क्योंकि सागर इससे भिन्न नहीं, लेकिन फिर भी एक अर्थ में सागर को नहीं जान सकती क्योंकि सागर अभिन्न है। ये धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास है। परमात्मा को हम जानते भी हैं एक अर्थ में, क्योंकि हम कैसे बिना जाने रहेंगे, वो हमें धड़कता है, हम उसमें धड़कते हैं, हम उससे दूर नहीं है, इंच भर का फासला नहीं, इसलिए हम उसे जानते भी हैं एक अर्थ में, पहचानते भी भली भांति, और फिर भी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम अंश से अंश पूर्ण को कैसे जान सकेगा, हम उसमें डूबते हैं, तैरते हैं, हम उसमें रह के कभी उसे विस्मरण भी करते हैं, कभी उसका स्मरण भी करते हैं, कभी हम पास लगते हैं, कभी दूर लगते हैं, और कभी कभी किन्हीं स्पष्टता के क्षणों में ऐसा लगता है जान लिया, हृदय आपूर हो जाता है, पहचान लिया, रिकग्निशन हो गया, आ गई प्रज्ञान, बोध हुआ, फिर बोध खो जाता है, फिर गहन अंधकार हो जाता है, फिर हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जानने और न जानने के ये मध्य का जो क्षण है, यही धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है। बुद्ध से कोई पूछता है परमात्मा के संबंध में, वे चुप रह जाते, क्या कहें उसके संबंध में, विरोधाभास कहे नहीं जा सकते। अगर बुद्ध कहे मैं जानता हूं तो भूल हो गई, क्योंकि कौन कह सकता है कि जानते हैं, और बुद्ध अगर कहे नहीं जानता तो गलती बात है, क्योंकि जानते। एक दिन सुबह सुबह एक पंडित ने बुद्ध को पूछा, बुद्ध चुप ही रहे, वो चला गया, तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि आप कुछ तो बोलते, वो बहुत बड़ा पंडित है, वो बड़ा जानकार है और योग्य अधिकारी आदमी था, आपको उसे कुछ कहना था। लेकिन बुद्ध ने कहा चूंकि वो अधिकारी था इसलिए बोलना और भी मुश्किल हो गया, यदि मैं कहूं है तो गलती, क्योंकि जब तक पूरा ना जान लिया जाए, किस तरह कहो कि है, किस तरह कहो कि मैंने जान लिया, कौन कहे कि मैंने जान लिया, सब दावे अहंकार के, और अहंकार तो उसे कभी भी नहीं जान सकता। और अगर मैं कहूं कि नहीं है, या कहूं कि मैंने नहीं जाना, तो भी गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं। और वो आदमी योग्य था, समझदार था, इसलिए चुप रह जाना पड़ा, और वो आदमी मेरी चुप्पी का अर्थ समझा, क्योंकि वो आदमी झुक के प्रणाम करके गया। तभी आनंद को ख्याल आया कि वो आदमी बहुत अहोभाव से झुक के प्रणाम करके गया, तो आनंद ने पूछा, हैरानी की बात है, ये मेरे ख्याल में ना आया, क्या वो समझ गया? तो बुद्ध ने कहा, घोड़े तीन तरह के होते हैं, एक तुम उन्हें मारो तभी वो इंच इंच भर करके सरकेंगे, दूसरे उन्हें मारने की उतनी जरूरत नहीं, धमकाना काफी है, और तीसरे उन्हें धमकाने की भी जरूरत नहीं, कोड़ा बताने की भी जरूरत नहीं, कोड़े की छाया काफी, शैडो ऑफ द व्हिप। ये तीसरे तरह का घोड़ा था, इसे मारने की जरूरत न थी, न धमकाने की जरूरत थी, इसे सिर्फ छाया बता दी कोड़े की, और वो समझ गया और यात्रा पर निकल गया। शब्द तो कोड़ा है, मौन छाया है, शब्द की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो घोड़ा पास नहीं जो कोड़े का छाया मात्र से यात्रा पे निकल जाए। बुद्ध ने कहा वो आदमी समझ गया,
यही तो स्थिति है कि जो जान लेता है वो कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं। दोनों के मध्य में वैसी घटना घटती। नानक कहते हैं अंत नहीं उसका, जितना कहो थोड़ा है, कहते चले जाओ और तुम पाते हो कि वो तो सदा शेष, तुमने कुछ भी कहा नहीं। कथन हमेशा अधूरा है, सभी शास्त्र अधूरे हैं, कोई पूरा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे शास्त्र का अर्थ ही होगा जिसने परमात्मा को पूरा कह दिया। सभी शास्त्र अधूरे हैं और सभी शास्त्र उन घोड़ों के लिए हैं जो कोड़ों की छाया नहीं समझ सकते। न अंत है उसके गुणों का, न उसके कथन का अंत है, न उसके कामों का, न उसके दानों का। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके काम तो दिखाई पड़ते ही हैं, उसके दान दिखाई पड़ने शुरू होते। ये दूसरी बात, काम तो चारों तरफ फैला हुआ है लेकिन अधिक लोगों को तो काम भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते हैं कहां है परमात्मा, वो पूछते हैं कौन है सृष्टा, सृष्टि को देख के भी उन्हें इशारा नहीं मिलता। चारों तरफ इतना विस्तार है, ये उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। वो पूछते हैं किसने बनाया, कौन है बनाने वाला, है भी कोई बनाने वाला। इतने विराट कारी जाल के पीछे उन्हें कोई हाथ नहीं दिखाई पड़ते। और मजे की बात है, ये ही वे लोग हैं जो दूसरी दिशाओं में अंधों की तरह मान लेते। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, विद्युत का आखिरी कण जिसको विज्ञान कहता है, जिसके आधार से सारा जगत बना है। इलेक्ट्रॉन के ही संगठन से सारा जगत निर्मित है, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं और ना आशा है कभी देख पाने की। फिर वैज्ञानिक कैसे मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन है? वो कहता उसके परिणाम दिखाई पड़ते। कारण सूक्ष्म है, परिणाम स्थूल है। हाथ नहीं दिखाई पड़ते परमात्मा के, लेकिन कृत्य दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को तो मान लेते हैं हम क्योंकि परिणाम दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा को इंकार करते हैं। परिणाम चारों तरफ मौजूद है, फूल खिलता है ये परिणाम है, लेकिन कोई हाथ छिपे उसे खिलाते अन्यथा कैसे फूल खिलेगा। बीज टूटता है ये परिणाम है, लेकिन कोई बीज को तोड़ता है, अंकुरित करता है, और जहां पत्थर जैसा लग रहा था बीज, वहां सुकोमल फूल खिलने शुरू हो जाते। सब तरफ उसके हस्ताक्षर है लेकिन हाथ नहीं दिखाई पड़ते। हाथ दिखाई पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जीवन सूक्ष्म और स्थूल का संतुलन है। कारण सदा सूक्ष्म होता है, कार्य सदा स्थूल होता है। कारण दिखाई नहीं पड़ते, परमात्मा महाकारण है, लेकिन कार्य तो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो तीन तरह के लोग हैं जगत में, एक तीन तरह के घोड़े जिनको बुद्ध ने कहा, एक जिनको उसके काम भी दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल अंधे। वो पूछते हैं कैसा परमात्मा, कैसा सृष्टा, क्या सबूत है? इतनी बड़ी सृष्टि सबूत नहीं है, वे और कोई सबूत चाहते हैं। इतना बड़ा प्रमाण प्रमाण नहीं है, वे और कोई प्रमाण चाहते हैं। और जिनको इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिखता, उन्हें कोई और प्रमाण समझ में आ सकेगा? इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जीवन एक क्रमबद्ध गति से, संतुलित गति से चल रहा है। विराट लीला में कहीं भी कोई व्यच्छेद नहीं है, धारा अनवरत अहिर्निश एक संगीत बज रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ये जगत कोई क्याज नहीं है, कॉस्मोस है, ये कोई ऐसा ही संयोग वसात घट रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे सुनिश्चित नियम काम कर रहा है, उसी नियम को हमने धम्म कहा है, धर्म कहा है,
लाओस्से ने ताओ कहा है, नानक ने हुक्म कहा है, उस नियम का नाम है। जब नानक कहते हैं सब उसके हुक्म से हो रहा है, तो तुम ऐसा मत समझना कि वो कहीं खड़ा है हेड कांस्टेबल की तरह, वो कह रहा है करो। हुक्म का मतलब है कि जगत एक आर्डर है, एक व्यवस्था है, एक अराजकता नहीं है। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, होने के पीछे सुनियोजित हाथ है, सुनियोजित व्यवस्था है, होने के पीछे प्रयोजन है। जो हो रहा है वो एक लक्ष्य की तरफ, एक अंत की तरफ विकासमान है। अगर तुम्हें सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती तुम बिल्कुल अंधे हो। बहुत लोग हैं जिनको सृष्टि के पीछे कोई सृजन का हाथ नहीं दिखाई पड़ता। एक छोटी सी मूर्ति रखी हो तो तुम तत्क्षण पूछते हो किसने बनाई। एक छोटा सा चित्र टंगा हो दीवार पर तो तत्क्षण पूछते हो कौन है चित्रकार। तुम कभी भी नहीं सोचते कि अनायास संयोग वसात ये मूर्ति बन गई होगी, अनायास संयोग वसात प्राकृतिक कारणों से ये चित्र टंग गया होगा। लेकिन इतना विराट चित्र टंगा है चारों तरफ, पत्ती पत्ती पर उसकी कला है, और तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुमने जैसे पक्का ही कर रखा है उसकी तरफ पीठ रखने का, जैसे तुम न देखने की जिद कर रहे हो, जैसे तुम देखना ही नहीं चाहते, जैसे कि देखने में तुम्हें खतरा मालूम पड़ रहा है, जैसे कि देखने से तुम डरे हुए हो। निश्चित ही डर है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम जैसे हो वैसे ही न रह सकोगे। जिसको भी परमात्मा के कृत्य की भनक पड़ जाएगी उसे पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका हाथ सब तरफ है तो तुम जैसा कर रहे हो अभी तक वैसा ही न कर पाओगे, तुम्हारा सारा आचरण गलत हो जाएगा। अभी तुम ऐसे चल रहे हो जैसे कोई परमात्मा नहीं। करो दुर्व्यवहार, करो पाप, करो अनाचरण, अभी जो भी करना है करो, क्योंकि कोई परमात्मा नहीं। अभी तुम्हें जैसे पूरी छूट है, जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम्हारी छूट समाप्त हो जाएगी। तब तुम्हें सोच के करना पड़ेगा, तब तुम्हें विचार के करना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्यादा ध्यान और सुरति रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि वो मौजूद है, क्योंकि सब जगह वो छिपा है। और तुम किसी के साथ भी कुछ करो तुम उसी के साथ कर रहे हो। जेब काटो किसी की, उसकी ही कटेगी। चोरी करो किसी की, उसी की ही होगी। हत्या करो किसी की, तुम उसे ही मारोगे। इसलिए आदमी का एक बड़ा वर्ग उसे देखना ही नहीं चाहता, उसके देखने में झंझट है। उसकी मौजूदगी तुम वही न रह सकोगे जो तुम हो। तुम्हें आमूल क्रांति से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें जड़मूल बदल जाना पड़ेगा। और ये बदलाहट इतनी बड़ी है कि इस झंझट से बेहतर यही कि तुम उसे इंकार करते चले जाओ। नीत्से ने 100 साल पहले कहा कि गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज टोटली फ्री। ईश्वर मर गया है और आदमी अब परिपूर्ण स्वतंत्र है। वही परिपूर्ण स्वतंत्रता चाहने के लिए तुम ईश्वर को इंकार करते हो, तब तुम छूट है, तब तुम कुछ भी चाहो करो, तब कोई नहीं है जिसके हाथ में निर्णय है, तब तुम स्वच्छंद हो। जो स्वच्छंद रहना चाहता है वो परमात्मा को न देखने की जिद करता रहेगा। तुम उसे कितना ही दिखाओ वो इंकार करता रहेगा। और इंकार किया जा सकता है क्योंकि स्थूल कृत्य दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म कर्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं सृष्टि अपने आप चल रही, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन यही तो परमात्मा की परिभाषा है कि जो अपने आप चल रहा है और अपने आप हो रहा है, जो स्वयंभू है,
दूसरा वर्ग है जो परमात्मा के काम तो देख लेता है और उसके छुपे हाथ को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो स्वीकृति बौद्धिक है, वो धमकी में आ गया है, वो डरा हुआ है, वो भयभीत है। तुम ऐसे ही आदमी को मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में प्रार्थना करते पाओगे। नंबर दो का आदमी वो भय के कारण वहां गया है, वो धमकी में आ गया, जिंदगी का कोड़ा उस पर जोर से पड़ गया है, वो डरा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो मांग रहा है सुरक्षा, आश्वासन, धन, प्रतिष्ठा, पद, वो कुछ मांग लेके गया है। भय हमेशा भिखारी और भय हमेशा मांगता है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो कामों की थोड़ी सी भनक उसके कान में पड़ी और उसे थोड़ा सा एहसास हुआ है भय के कारण कि परमात्मा है, तो वो डरा हुआ है। लेकिन उसे तीसरी बात का कोई पता नहीं चल रहा है, परमात्मा के दानों का, इसलिए तो वो मांग रहा है। तीसरा आदमी है जिसको नानक भक्त कहेंगे, उसे कृत्य दिखाई पड़ रहे हैं, चारों तरफ सृष्टि उसका हाथ बता रही और कृत्य ही नहीं दिखाई पड़ रहे, उसे परमात्मा का दान, उसका प्रसाद भी दिखाई पड़ रहा है। प्रसाद को देखना सूक्ष्म बात है, वो कोड़े की छाया को देखना है। उसे दिखाई पड़ रहा है कि अहिर्निश उसका दान मिल रहा है, मांगने को और बचा क्या है, मांगना क्या है, सिर्फ उसे धन्यवाद देना है। इसलिए परम भक्त मंदिर धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं, उसकी कोई मांग ही नहीं है। अगर परमात्मा सामने खड़ा होकर भी उसको कहे कि तू कुछ मांग ले, तो भी वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा सब दिया ही हुआ है, सब पहले से ही जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है, मेरी योग्यता से ज्यादा तुमने मुझे पहले ही दिया हुआ है, किस मुंह से मांगू। और मांगने में तो शिकायत होगी कि तुमने कुछ कम दिया है, तुम्हें जीवन मिला है ये क्या कम, लेकिन जीवन की तुम कोई कीमत नहीं करते। मैंने सुना है एक कंजूस, महाकंजूस की मौत करीब आई, उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे थे और ये सोच रहा था कि आज नहीं कल जीवन को भोगूंगा, लेकिन इकट्ठा करने में सारा समय चला गया था, जैसा कि सदा ही होता है। जब मौत ने दस्तक दी तब वो घबराया कि समय तो चुक गया, धन भी इकट्ठा हो गया, लेकिन भोग तो मैं पाया नहीं, सोच ही रहा था कि भोगना है। ये तो वो जिंदगी भर से सोच रहा था और स्थगित कर रहा था कि जब सब हो जाएगा तब भोग लूंगा। उसने मौत से कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए दे देता हूं सिर्फ 24 घंटे मुझे मिल जाएं, क्योंकि मैं भोग तो पाया ही नहीं। मौत ने कहा कि यह सौदा नहीं हो सकेगा। उसने कहा मैं 5 करोड़ दे देता हूं, मैं 10 करोड़ दे देता हूं, 24 घंटे। आखिर वो इस बात पर राजी हो गया कि मैं सब दे देता हूं सिर्फ 24 घंटे। ये सब उसने इकट्ठा किया पूरा जीवन गंवा के, अब वो सब देने को राजी है 24 घंटे के लिए, क्योंकि न तो उसने कभी खुले मन से सांस ली, न कभी फूलों के पास बैठा, न उगते सूरज को देखा, न चांद तारों से बात की, न खुले आकाश के नीचे हरी धूप पर कभी क्षण भर लेटा, जीवन को देखने का मौका न मिला। धन इकट्ठा करता रहा और सोचता रहा आज नहीं कल जब सब मेरे पास होगा तब भोग लूंगा। सब देने को राजी है, लेकिन मौत ने कहा कि नहीं, कोई उपाय नहीं, तुम सब भी दो तो भी 24 घंटे मैं नहीं दे सकता हूं, कोई उपाय नहीं, समय गया, तुम उठो तैयार हो जाओ। तो उस आदमी ने कहा एक क्षण, वो मेरे लिए नहीं, मैं लिख दूं मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए,
कि मैंने जिंदगी गंवाई इस आशा में कि कभी भोगूंगा, और जो मैंने कमाया उससे मैं मृत्यु से एक क्षण भी लेने में समर्थ न हो सका। उस आदमी ने एक कागज पर लिख दिया और खबर दी कि मेरी कब्र पर इसे लिख देना। सभी कब्रों पर यही लिखा हुआ है, तुम्हारे पास पढ़ने की आंखें हो तो पढ़ लेना, और तुम्हारी कब्र पर भी यही लिखा जाएगा अगर चेते नहीं। अगर तुम देखो तो तुम्हें जो मिला है वो अपरंपार है। जीवन का कोई मूल्य है? एक क्षण के जीवन के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे, लेकिन वर्षों के जीवन के लिए तुमने परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं दिया। मरुस्थल में मर रहे होगे प्यासे, तो एक घूंट पानी के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे, लेकिन इतनी सरिताएं बह रही, वर्षा में इतने बादल तुम्हारे घर पर घुमड़ते, तुमने एक बार उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो हम सब यहीं की यहीं मुर्दा हो जाएंगे इसी वक्त, लेकिन हमने कभी उठ के सुबह सूरज को धन्यवाद ना दिया। असल में आदमी का एक बड़ा अद्भुत तर्क है, जो उसके पास होता है वो उसे दिखाई नहीं पड़ता, जो नहीं होता वो दिखाई पड़ता है। जब तुम्हारा दांत एक टूट जाएगा तब तुम्हारी जीभ बार बार उसी जगह जाएगी, जब तक दांत था तब तक कभी ना गई, खाली जगह को टटोलेगी। तुम चेष्टा भी करोगे कि जीभ को वहां न ले जाएं, क्या सार है, लेकिन जीभ वहीं वहीं जाएगी। आदमी का मन खाली जगह को टटोलता है, भरी जगह के प्रति अंधा, खाली के प्रति आंखें। जो तुम्हारे पास है तुमने कभी उसका हिसाब लगाया? और जब तक तुम्हें वो हिसाब साफ ना हो जाए तुम परमात्मा के दानों का हिसाब ना लगा पाओगे। वो अनंत है, लेकिन कम से कम जो तुम्हें मिला है वहां से तो तुम सोचो। जो तुमने पाया है उसे तुम देखो, और चारों तरफ उसके दानों की वर्षा हो रही। जैसे हर कृत्य के पीछे उसका हाथ है, वैसे ही हर कृत्य के पीछे उसका दान है। ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए खिल रहा है, ये पूरा अस्तित्व उसकी भेंट है। और जब कोई इसको देख पाता है तब एक नई तरह की भक्ति का जन्म होता है। एक है नास्तिक, वो अकड़ा हुआ है अहंकार से। एक है आस्तिक, वो कपरा है भय से। वे दोनों ही धार्मिक नहीं। धार्मिक है तीसरा व्यक्ति जो नाच रहा है अहोभाव से, जो आनंद मग्न है कि जो मिला है वो अपरंपार है। नानक कहते हैं न उसके कृत्यों का कोई अंत है, न उसके दानों का कोई अंत है, और उसके मन के रहस्यों का भी अंत जाना नहीं जा सकता है। उसके किए हुए सृष्टि प्रसार का कोई अंत नहीं, उसके ओर छोर का अंत नहीं। उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जाता। कोई भी उसका अंत नहीं जानता, जितना अधिक उसको कहिए उतना ही अधिक वह होता जाता है। वह साहब महान है और उसका स्थान ऊंचा है, उससे भी ऊंचा उसका नाम है। ये जरा कठिन लगेगा समझने में, उससे भी ऊंचा उसका नाम है। नाम कैसे उससे ऊंचा होगा? हमारे लिए, यात्रियों के लिए उसका नाम उससे ऊंचा है, क्योंकि उसके नाम के द्वारा ही हम उस तक पहुंचेंगे। नाम छूट जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता टूट गया, सेतु गिर गया। तो हमारे लिए तो उसका नाम ही उससे महान है। यात्रा पथ मंजिल से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा पथ के बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। इसलिए नानक कहते हैं कि उसका एक नाम जो जान लेता है उसे कुंजी मिल गई। कुंजी महल से भी बड़ी है। कुंजी महल में छिपी संपदा से ज्यादा मूल्यवान है।
ऐसे तो दिखाई पड़ती लोहे का टुकड़ा, लेकिन वही लोहे का टुकड़ा अनंत खजानों को खोलेगा। उसका नाम जिसको नानक ओंकार कहते हैं, वही कुंजी, उस कुंजी से उसका द्वार खुलेगा। और अगर ओंकार की सुरति तुम्हारे भीतर बैठने लगी तो वो कुंजी तुम अपने भीतर ढाल लोगे। वो कुंजी कुछ ऐसी नहीं है कि कोई तुम्हें दे दे, वो तुम्हें ढालनी पड़ेगी, तुम्हें ही वो कुंजी बन जाना पड़ेगा। तुम ही धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि में गूंजते गूंजते कुंजी बन जाओगे, तुम में ही वो क्षमता प्रकट हो जाएगी कि उसके द्वार को तुम खोल लो। मनुष्य की दो अवस्थाएं, एक अवस्था है विचार की और एक अवस्था है निर्विचार की। विचार की अवस्था में तुम हो जहां मन में तूफान चलते ही रहते हैं, मन का आकाश सदा बदलियों से भरा रहता है, ऊहापोह अनंत विचार, एक भीड़ मन में लगी रहती है, एक बाजार भरा हुआ है। ये विक्षिप्त जैसी दशा है। एक दूसरी अवस्था है निर्विचार, जहां बाजार खाली हो गया, दुकानें बंद हो गईं, विचार जा चुके, हाट उजड़ गई, सन्नाटा हो गया, चुप्पी हो गई। जब तक तुम विचार से भरे हो तब तक तुम संसार से जुड़े रहोगे। जैसे ही तुम निर्विचार हुए कि तुम परमात्मा से जुड़ गए, तुम खाली हुए कि द्वार खुला। विचार से निर्विचार तक जाने की जो कुंजी है वो उसका नाम है। ओंकार की धुन तुम्हारे भीतर समा जाए, पहले तो ओंकार का जप, सुबह उठाए या रात कभी एकांत अंधेरे में बैठ गए अपने कमरे में और जोर से ओंकार का उच्चार किया कि तुम्हारे चारों तरफ ओंकार की धुन गूंजने लगे। और ओंकार का बड़ा मधुर संगीत है, क्योंकि वो अनंत का संगीत है। ओंकार कोई मनुष्य निर्मित ध्वनि नहीं, वो अस्तित्व में गूंजती हुई लयबद्धता है। तुम जैसे ही ओंकार की धुन जोर से करोगे, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे रोए रोए पर उसकी छाप अंकित होने लगेगी। ये जाप की स्थिति है, जप। फिर धीरे धीरे ओंठ बंद कर लेना और जिस तरह बाहर गुंजा रहे थे ओंकार को, वैसे ही भीतर गुंजाना। तब ओंठ बंद रहेंगे, जीभ शांत रहेगी, कंठ चुप रहेगा, सिर्फ मन में ही गूंज होगी। ये जाप और अजाप के बीच की मध्य कड़ी, ये गूंज भीतर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो धीरे धीरे तुम इस गूंज को करना भी और सुनना भी, दो काम करना, भीतर ओंकार की गूंज भी करना और सुनना भी कि ये गूंज हो रही। फिर धीरे धीरे करने को छोड़ते जाना और सुनने को बढ़ाते जाना। और एक ऐसी घड़ी आती है जब करना तुम बंद कर देते हो और गूंज अपने से होती, तुम सिर्फ सुनते हो। तब अजपा जाप शुरू हो गया। और जब गूंज अपने से होती तब असली ओंकार प्रकट हुआ। अब ये तुम नहीं कर रहे हो, अब ये तुम्हारे होने में से ही प्रकट हो रही, अब ये तुम्हारे जीवन के भीतर बहते हुए झरने का नाद है। और जिस दिन तुम इसे सुन लोगे, फिर तुम इसे 24 घंटे सुन सकते हो, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, इसे करने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी जरा भीतर आंख बंद करोगे, वहां ये नाद सुनाई पड़ने लगेगा। जब भी चिंता पकड़े, तनाव पकड़े, बेचैनी हो, क्रोध आए, तुम आंख बंद करके जरे इस नाद को सुन लेना। एक नाद की भनक क्रोध तिरोहित हो जाएगा, नाद का जरा सा बोध घृणा
समाप्त हो जाएगी। नाद का जरा सा स्मरण और तुम पाओगे चित्त जो तुम्हें बेचैन किए था तत्क्षण हट गया। ये ऐसे ही हो जाता है जैसे अंधेरा घर में भरा हो और तुम टॉर्च का बटन दबाओ, प्रकाश हो जाता, अंधेरा खो जाता। ऐसे ही भीतर के नाद को तुम सुनो, क्षण भर को भी सुन लो, तो बाहर का जो भी अंधकार था उसी वक्त टूट जाता है। इसलिए तो नानक इतना जोर देते हैं, एक ओंकार सतनाम। सारी साधना उनके इस वास्तविक ओंकार के नाद को पा लेने की, इसी को उन्होंने शब्द कहा, इसी को वो नाम कहते हैं। और नानक कहते हैं तुझसे भी बड़ा तेरा नाम, तू अंतहीन है, तू विराट है, तुझसे भी बड़ा तेरा नाम है। क्योंकि हमारे लिए तो नाम का सहारा है, नाम से ही हम तुझसे जुड़ेंगे। तू है भी हमें पता नहीं, नाम से ही हमें तेरी खबर आएगी, नाम से ही हम धीरे धीरे तेरी तरफ खींचेंगे। और एक ऐसी घड़ी आती जब नाद अपने आप गूंजता है तो तुम खींच लिए जाते हो परमात्मा की तरफ। वैज्ञानिक कहते हैं एक ऊर्जा जिसका नाम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। हम जमीन पे इसीलिए हैं कि जमीन हमको खींचे हुए है। अगर जमीन हमें छोड़ दे हम आकाश में खो जाएं। जमीन हमें अपनी तरफ खींचे है, इसलिए तो पत्थर को हम फेंकते हैं वो वापस जमीन पर गिर जाता है, जमीन उसे खींच रही है। हर चीज को जमीन खींचे हुए, इसका नाम ग्रेविटेशन। इस युग में एक बहुत महत्वपूर्ण महिला हुई सिमोन वेल, उसने कहा कि जिस तरह ग्रेविटेशन है इसी तरह एक और शक्ति है, उसका नाम है ग्रेस। उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी, ग्रेस एंड ग्रेविटेशन। न तो ग्रेविटेशन दिखाई पड़ता, जमीन का गुरुत्वाकर्षण दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी खींचे हुए। अभी वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं क्योंकि कल ही अखबारों में खबर थी कि गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है। बहुत छोटी मात्रा में कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। और अगर कम होता गया तो जमीन बिखर जाएगी, क्योंकि जमीन उसी शक्ति की वजह से चीजों को पकड़े हुए है। वृक्ष जमीन में गड़े हैं, आदमी जमीन पर चल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण से। जमीन का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, चुंबक उसकी कम हो जाए, सब चीजें बिखर जाएंगी, अनंत में खो जाएंगी, पर गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं पड़ता जो जमीन से बांधे हुए। सिमोन वेल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ठीक ऐसे ही ग्रेस भी दिखाई नहीं पड़ती। ग्रेस जिसको नानक प्रसाद कहते, उसकी अनुकंपा कहते। जमीन हमें बांधे हुए है नीचे की तरफ, वो हमें बांधे हुए है ऊपर की तरफ। जैसे ही जैसे तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद बढ़ता है, वैसे वैसे जमीन की कशिश कम होती जाती और उसकी कशिश बढ़ती जाती। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम बिल्कुल निर्भर हो जाते हो। इसलिए तो योगियों को बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। यहां मेरे पास जो लोग गहरा ध्यान कर रहे हैं उनमें से अनेकों को अनुभव हुआ है कि अचानक ध्यान करते करते उन्हें लगा कि वो जमीन से उठ गए। बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता किसी को कि वो उठ गए हैं। वो भी आंख खोल कर देखते हैं तो उठे नहीं है, अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आंख बंद करते हैं भीतर लगता है कि जमीन से उठे। वो भ्रांति नहीं है। जैसे ही चित्त निर्भर हो जाता है, उसकी ध्वनि गूंजती है, वैसे ही वेटलेसनेस का अनुभव होता है। तुम्हारा ये शरीर तो जमीन पर ही बना रहता है, लेकिन तुम्हारा भीतर का शरीर जमीन से हट जाता है, ऊपर उठ जाता है। और अगर ये यात्रा जारी रहे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे दो शरीर हो गए, एक शरीर जमीन पर बैठा है, दूसरा शरीर ऊपर उठ गया और नीचे जमीन पर बैठे शरीर को देख रहा है। उन दोनों के बीच एक पतला सा धागा प्रकाश का है जो जोड़े हुए है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी ओंकार का प्रयोग कर रहा हो, वो ध्यान में बैठा हो, तो उसे चौंका के मत हिलाना, उसे कभी धक्का दे के मत उठाना, क्योंकि उससे कभी भी खतरे हो सकते हैं। अगर उसके दोनों शरीरों के बीच फासला हो उस समय,
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर थोड़े अलग हो गए हो और भीतर का शरीर ऊपर उठ गया हो और तुम धक्के दे दो तो उन दोनों का संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाएगा। उन दोनों के बीच जो तालमेल है वो सदा के लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो तालमेल बहुत सूक्ष्म है। ठीक ध्यान की अवस्था में व्यक्ति इस शरीर के बाहर निकलता है, फिर वापस लौट आता है। और जब तुम इस कला में पूरे पारंगत हो जाते हो कि कैसे बाहर निकलें, कैसे भीतर आ जाएं, तुम जान गए कि कैसे परमात्मा में प्रवेश करें और कैसे वापस लौट आए, तब इस संसार और परमात्मा में कोई विरोध नहीं रह जाता। तुम रहो इस शरीर में पर उसकी सुरति बनी रहती, मन का धागा वहां जुड़ा रहता है। नानक कहते हैं उसका नाम उससे भी महान, जितना बड़ा वह है वह आप ही अपने को जान सकता है। यदि कोई उतना ऊंचा हो तो वह उस ऊंचे को जान सकता है। नानक कहते हैं जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती उसी पर उसकी देन उसका दान उतरता है। ये जरा समझने जैसा है और जटिल है, क्योंकि जगत में दो साधना पद्धतियां हैं, सिर्फ दो। एक साधना पद्धति का आधार संकल्प है और एक साधना पद्धति का आधार समर्पण है। दोनों पहुंचा देती हैं लेकिन मार्ग दोनों बड़े विपरीत है। महावीर, पतंजलि, गोरख, उनकी साधना पद्धति संकल्प की, प्रयास करना है और संपूर्ण जीवन की शक्ति को प्रयास बना देना है। जिस दिन तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बची हुई शक्ति न रह जाएगी, जिस दिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दोगे, उसी दिन घटना घट जाएगी। जिस दिन संकल्प पूरा हो जाएगा, भीतर कोई भाग ना बचेगा, कोई भी चीज तुमने बचाई ना होगी, सभी कुछ दांव पर रख दिया होगा, उसी दिन संकल्प पूरा हो जाएगा, उसी दिन तुम परमात्मा से मिल जाओगे, उसी दिन घटना घट जाएगी। दूसरा मार्ग है समर्पण का। नानक, मीरा, चैतन्य, उन सब का मार्ग बिल्कुल भिन्न है। और वो मार्ग ये है कि हमारे प्रयास से उपलब्धि नहीं होती, उसके प्रसाद से उपलब्धि होती। हमारी चेष्टा से कुछ न होगा, उसकी अनुकंपा से सब कुछ होगा। इसका ये मतलब नहीं कि तुम प्रयास मत करना, इसका मतलब इतना ही है कि तुम प्रयास पर भरोसा मत रखना, अकेले प्रयास पर भरोसा मत रखना। प्रयास तो तुम करना, लेकिन ये बात जानते रहना कि होगा उसकी अनुकंपा से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रयास का ही भरोसा हो तो अहंकार के जन्मने की संभावना है। इसलिए हो सकता है योगी अकड़ जाए और समझने लगे कि सब मेरे कारण हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं। और ये अहंकार अगर बन जाए तो इससे छुटकारा बहुत मुश्किल है। धन का अहंकार छोड़ना आसान है, पद का अहंकार छोड़ना आसान है, लेकिन प्रयास का अहंकार छोड़ना बड़ा कठिन है। तो संकल्प के मार्ग पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि कहीं प्रयास करते करते अहंकार मजबूत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि सब मुझसे हो रहा है, मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, तो मैं महत्वपूर्ण हो जाऊंगा, परमात्मा भी गौण हो जाएगा। तब सब करने के बाद, सब द्वार खोलने के बाद आखिरी द्वार पर मैं अटक जाऊंगा। ये खतरा है संकल्प के मार्ग। इसलिए महावीर, पतंजलि, गोरख, उस वर्ग के यात्री एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, प्रयास करो और अहंकार छोड़ो। कहीं प्रयास अहंकार के साथ चला तो हर प्रयास अहंकार को मजबूत कर देता है। तुम जो भी करते हो उससे लगता है मैं मजबूत हो रहा हूं, मैंने किया, जब तप योग मैंने सिद्धियां पाई, और ये अकड़ अगर साथ आ गई तो सब व्यर्थ हो गया। नानक कहते हैं प्रयास करो,
लेकिन याद रखो मन में कि होगा उसकी अनुकंपा से, तो वो आखिरी खतरा जो संकल्प में आता है नहीं आएगा, लेकिन तब दूसरा खतरा है। संकल्प के मार्ग पर आखिर में खतरा आता है और समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है, और पहले ही खतरे से निपट लेना बेहतर है। पहला खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम सोचो तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, होगा जब उसकी ही कृपा से तो हम क्या करें, तो ये न करने का बहाना बन जाए। तब तुम सोचते रहो कि होगा उसकी कृपा से जब होना है, हमारे करने से क्या होता है, और तुम जिंदगी की जो व्यर्थता है उसमें ही उलझे रहो, क्योंकि जब वो चाहेगा तब होगा, जब उसकी मर्जी होगी तब होगा, हम क्या करें। ये कहीं संसार में भटकने के लिए आधार न बन जाए, ये कहीं क्षुद्र को करने का रास्ता न बना रहे, और ये कहीं तरकीब ना हो, बहाना ना हो टालने का कि जब उसको करना होगा करेगा, हम क्या कर सकते हैं। समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है कि कहीं तुम आलस्य में ना डूब जाओ, इसलिए प्रयास तो पूरा करना है, और फल सदा उसकी कृपा से मिलेगा ये स्मरण रखना है। तो नानक बार बार दोहराते हैं कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती है उसी पर उसकी देन, उसका दान उतरता है। लेकिन कृपा दृष्टि उसकी किस पर होती है? उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। इसे थोड़ा समझें, क्योंकि सामान्य जीवन में कृपा दृष्टि का बड़ा अलग अर्थ है। कृपा दृष्टि का मतलब यह है कि क्या वो भी पक्षपाती है कि अपनों पर कृपा करता है और दूसरों को छोड़ देता है, कि किसी को चुन लेता है और उस पर कृपा करता है और किसी को छोड़ देता है? ये तो अन्याय होगा। परमात्मा के साथ अन्याय को तो हम जोड़ ही नहीं सकते, फिर तो कोई सार ही ना रहा। फिर तो पापी पे उसकी कृपा हो सकती है और पुण्यात्मा पे ना हो, फिर तो सब करना व्यर्थ है। नहीं, उसकी कृपा दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि वो किसी को अकारण चुन लेता है, कि खुशामदियों को चुन लेता है, कि स्तुति करने वालों को चुन लेता है। उसकी कृपा दृष्टि तो सभी पे बरस रही है, वर्षा उसकी सभी पे हो रही, लेकिन कुछ लोग अपनी मटकी को उल्टा किए बैठे। जिनकी मटकी उल्टी है, कृपा दृष्टि तो उन पर भी हो रही है लेकिन उनकी मटकी भर नहीं पाती। कुछ लोग अपनी मटकी सीधी किए बैठे, उनकी मटकी भर जाती। तुम्हारी मटकी सीधे होने से वर्षा नहीं हो रही, वर्षा तो हो ही रही है लेकिन तुम्हारी मटकी सीधी होगी तो भर जाएगी, और तुम कितनी ही मटकी सीधी करो अगर वर्षा नहीं हो रही तो कैसे भरेगी। इसलिए नानक कहते हैं भरना तो उसकी कृपा दृष्टि से होता है, लेकिन इतना प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा कि मटकी को तुम सीधी रखो, इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी में तलहटी है या नहीं, फूटी तो नहीं, इतना ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि मटकी उल्टी तो नहीं रखी, तिरछी तो नहीं रखी, कि कृपा भर भी बरसे भी तो भी भर ना पाए, अनुकंपा आए भी तो भी बह जाए। हर आदमी पर उसकी अनवरत वर्षा हो रही है। परमात्मा अनवरत वर्षा है, लेकिन तुम कुछ उल्टे सीधे आड़े तिरछे हो, तुम वंचित रह जाते हो अपने कारण। इसे समझ लेना, ये बड़ा उल्टा दिखाई पड़ेगा। वंचित रहते हो तुम अपने कारण, पाओगे उसके कारण, मिलेगा उसके प्रसाद से, खोगे अपने कारण। समर्पण के मार्ग पर यह स्मरण रखना जरूरी है कि अगर मैं खो रहा हूं तो मैं ही कुछ उल्टा हूं, अगर पाऊंगा तो उसकी अनुकंपा है। अगर तुम ये याद रख सको तो अहंकार के सघन होने की कोई जगह न रह जाएगी, तुम्हारे भीतर कोई स्थान न बचेगा जहां अहंकार मजबूत हो जाए, और जिसके पास अहंकार नहीं उसके पास परमात्मा है।